स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो अभी तक हमने बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखा, फिर इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, डिशील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं उसको देखा, फिर केमिकल शिफ्ट क्या होता है, कौन से फैक्टर केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं उस चीज़ को हमने डिस्कस किया, फिर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, कितने टाइप के सिग्नल आते हैं उसको डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि एक प्रोटॉन अपने एडजेसेंट प्रोटॉन्स के स्पिन को फील करते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे का सिग्नल क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब एक सिग्नल की जगह हमें मोर देन वन पीक आते हैं जिसको हम मल्टीप्लेट कहते हैं। अगर एक पीक ही रहता तो हम सिंगलेट कहते हैं, अगर वही एक पीक दो में सिप्लिट हो जाते हैं तो हम इसको डबलेट कहते हैं, तीन में हो तो ट्रिपलेट, चार में क्वार्टेट, पांच में क्विंटेट या पेंटेट भी कहते हैं। इसी तरह से हमने देखा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। तो अभी हमने थोड़ा सा जाना कि मल्टीप्लेट क्या होते हैं। मल्टीप्लेट बिकॉज ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से होते हैं ऑफ द एडजेसेंट प्रोटॉन्स का। अब इनके बीच में जो इनके इन पीक्स के इन मल्टीप्लेट्स के पीक्स के बीच में से अगर हम देखेंगे डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है ना, तो इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ अगर हाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंपल सा, CH2 और CH टाइप का प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम ए टाइप का प्रोटॉन, डेफिनेटली ए टाइप का है, ये बी टाइप का होगा क्योंकि दोनों अलग हैं। CH2 का सिग्नल कौन ब्रेक करेगा, CH ब्रेक करेगा। तो CH2 का क्या आएगा, एक ही प्रोटॉन है तो 1+1, और उनके हिसाब से क्या आएगा, 1+1 कितना हुआ, 2, यानी ये डबलेट आएगा इसका सिग्नल, ठीक है। और CH2 किसके सिग्नल को ब्रेक करेगा, अगर B के सिग्नल की बात करते हैं तो ये दो प्रोटॉन B के सिग्नल को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो N+1 रूल के हिसाब से क्या आएगा, 2+1 3, यानी ट्रिपलेट में तीन पीक्स में इसको सिप्लेट करेगा। अगर इनका हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ये डबलेट है ना, एक का पीक हमें डबलेट आ रहा है इस तरह से आएगा, और CH का पीक ट्रिपलेट आ रहा है, तीन पीक आ रहा है, तो इस तरह से ये पीक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आएगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपका TMS यहाँ से, तो इस तरह से पीक आएंगे। अब इन पीक के मल्टीप्लेट्स के, हाँ मल्टीप्लेट्स की बात कर रहा हूँ, दो पीक के नहीं, एक मल्टीप्लेट के जो बीच में डिस्टेंस होता है ये, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कपलिंग कॉन्स्टेंट। इस मल्टीप्लेट का ये क्या हुआ, कपलिंग कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इन दो पीस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, चाहे आप इस साइड वाला लें या इस साइड वाला लें, जे का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, कपलिंग कॉन्स्टेंट का वैल्यू सेम रहता। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ कि ये किसका सिग्नल था, ए टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल था। इसकी जे वैल्यू को हम ऐसे दिखाते हैं, जे ए का सिग्नल है, कौन स्प्लिट कर रहे हैं, बी स्प्लिट कर रहे हैं, जे ए बी से दिखाते हैं। ये जे किसका सिग्नल का जे है, ये बी का है, सिप्लिट कौन कर रहा है, ए है ना, इसलिए हम जे ए बी और जे बी ए से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन किसका सिग्नल सिप्लिट कर रहा है, ठीक है ना। इस इन मल्टीप्लेयर्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। और जो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, सिप्लिट करते हैं, उनके कपलिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उससे भी हमें आइडिया मिल जाते हैं कि जो ये दो पीक है वो किसका है। से फॉर एग्जांपल आपको इस साइड में अगर एक मल्टीप्लेट होता ऐसे, ठीक है ना, आप कंफ्यूज होता है ना कि शायद ये तो इसको सिप्लेट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आपको जे वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं भाई ये ए बी को ही, इस साइड को ही सिप्लिट कर रहा है, क्योंकि इनका जे का वैल्यू क्या है, सेम आता है, हमेशा सेम रहता है जो प्रोटॉन एक दूसरे को सिप्लिट करते हैं। और हम मेजर करते हैं जे का वैल्यू इन हर्ट्स। केमिकल शिफ्ट में हम किस में करते थे,
एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं होता, हम सीधे जो सिग्नल आते हैं हर्ट्ज में उसी को ही यहाँ हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जे ए बी का वैल्यू अगर 2 हर्ट्ज होगा तो जे बी ए का वैल्यू भी 2 हर्ट्ज होगा, और अगर ये डिफरेंट सिग्नल होगा तो यहाँ पे इसका जे का वैल्यू से 3 हो भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग हो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। अब ये हर्ट्ज में ही, हर्ट्ज में हम क्यों दिखाते हैं, ठीक है, हम डेल्टा वैल्यू या टॉ वैल्यू में क्यों नहीं दिखाते हैं, ये पूछ सकते हैं आप। तो देखो, हम एक्चुअल में केमिकल शिफ्ट का वैल्यू जो हमें वहाँ एनएमआर में आते थे वो क्या आते थे, हर्ट्ज में ही आते थे ना, हम पहले हर्ट्ज में 60 मेगाहर्ट्ज, फिर 120 मेगाहर्ट्ज, 140 मेगा, 130 मेगाहर्ट्ज में ही वैल्यू आते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल शिफ्ट का वैल्यू अगर हम 60 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं, इसके बाद उसी प्रोटॉन का वैल्यू हम अगर 100 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, तो दोनों में जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू क्या आता है, डिफरेंट आते हैं, है ना। एक में अगर या एक में 60 मेगाहर्ट्ज आ रहे हैं तो दूसरे में 100 मेगाहर्ट्ज आते हैं उसी उसी प्रोटॉन का। तो हमें फिर कन्फ्यूजन होता है ना, इसने कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसको मेजर किया, फिर एक कम्प्लिकेट होता है, कम्प्लिकेसी आता है, क्यों, क्योंकि जो केमिकल शिफ्ट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते थे उतना ये जो एनर्जी सेपरेशन होता था वो बढ़ता चला जाता था, जिसकी वजह से आपको अप्लाइड जैसे 60 मेगाहर्ट्ज में कम ही इनमें सेपरेशन होता, 100 मेगाहर्ट्ज वाले में बहुत ज़्यादा सेपरेशन होगा। तो जब ये यहाँ पे गैप बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, 60 मेगाहर्ट्ज में कम गैप ही पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें 60 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज में किसी पार्टिकुलर प्रोटॉन का वैल्यू क्या आता था, डिफरेंट आता था। इसलिए इसको इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते थे, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसी इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ताकि वो इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड हो जाए, फिर इसको हम डेल्टा वैल्यू या टॉ वैल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में केमिकल शिफ्ट का वैल्यू मेजर करें, अब वो क्या रहता था, सेम रहता था, क्योंकि हमने इसको क्या बनाया, इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड बाई डिवाइडिंग विद द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। केमिकल शिफ्ट को जो हर्ट्स में आता था हम उसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे जो आपका जे का वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है, वो फील्ड पर डिपेंडेंट ही नहीं करते हैं, चाहे आप 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में मेजर करें या 100 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में मेजर करें, जे का वैल्यू सेम रहता है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की स्पिन की वजह से वो स्प्लिट हो रहा है ना, ना इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के फील्ड की वजह से वो स्प्लिट हो रहा है, वो एक दूसरे के, एक दूसरे जो अपने एडजेसेंट प्रोटॉन की स्पिन है उसको फील करके वो स्प्लिट हो रहा है। तो इसलिए वो हमें अब ज़रूरत नहीं है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने की, इसलिए हम सीधा इसको हर्ट्ज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है, जे का वैल्यू जो होता है वो इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है। तो हमने देखा कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जे, ये हम डेल्टा वैल्यू या टॉ वैल्यू से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको हम हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड में हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है ना, जबकि केमिकल शिफ्ट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। और दिस डिफरेंस बिटवीन स्पिन स्प्लिटिंग एंड केमिकल शिफ्ट अफोर्ड ए मेथड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम, हाँ ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी बेस्ड पे हम एक केमिकल शिफ्ट और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या जे के वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। CH2 है, से यहाँ पे आपका कोई CL अटैच है ना, यहाँ CL अटैच है, इस टाइप का है, CH2 है, बीच में फिर क्या आ गया, O आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे CH है और या CH2 ही है, CH है,
यहाँ पे से BR BR है, इस टाइप का है। अब इसका मतलब AB C और ये D टाइप का प्रोटॉन हो गया, वो सारे के सारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम A की सिग्नल की बात करते हैं तो B इसको ब्रेक करेगा, 2+1 मीन्स ट्रिपलेट में ब्रेक करेगा। B का जो सिग्नल है A ब्रेक करेगा, 1+1 डबलेट में, ठीक है। अब C का सिग्नल कौन ब्रेक करेगा, D ब्रेक करेगा वो डबलेट में, और D का सिग्नल कौन ब्रेक करेगा, C 2+1 हो गया ट्रिपलेट यानी। अब इसका जो सिग्नल है हमें ऐसे आएगा ना, इसका सिग्नल ट्रिपलेट आएगा ऐसे, ठीक है। अब इसका सिग्नल क्या आएगा, डबलेट आएगा एक। अब यहाँ इसका सिग्नल क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, और इसका सिग्नल क्या आएगा, सॉरी ये डबलेट आएगा। तो एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, से आपके पास कोई पीक है, ठीक है, इस टाइप का। अब आपको ऐसा एक पीक आ रहा है, ऐसा और ऐसा कोई पीक आ रहा है इस टाइप का, ये यहाँ पे TMS का सिग्नल होगा से फॉर एग्जाम्पल। अब आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये कोई डबलेट है या कोई ये कोई डबलेट है कि या एक सिंगल, ये कोई ये अलग या दो अलग पीक है ना, ऐसे कोई आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एक सिंगल प्रोटॉन का ही पीक शायद डबलेट में तो नहीं आया है ना, एक सिग्नल एक दूसरे को सिब्लेट करके डबलेट तो नहीं आया है, या आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, या ये शायद दो सिग्नल होंगे, शायद ये एक टाइप का सिग्नल या बी टाइप का सिग्नल होगा, शायद इनका केमिकल शिफ्ट तकरीबन बराबर होंगे तो शायद साथ साथ आ रहे होंगे, है ना। कि आपने जब केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आप याद करते हैं तो किसी किसी में थोड़े थोड़े का ही अंतर है, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी दो पीक तकरीबन साथ साथ में आते हैं, दूर से हमें लगता है कि ये डबलेट होगा, कोई सिंगल पीक नहीं होगा। उसके लिए हम यही मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो केमिकल शिफ्ट होता है वो डिपेंडेंट ऑफ द फील्ड होता है, मैग्नेटिक जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है वो इनडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब से फॉर एग्जांपल इसको आपने 60 MHz वाले इंस्ट्रूमेंट पे आपने मेजर किया था, अब इसको आप 300 या 100 MHz में आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है, इसके बीच में इन पीक्स के बीच में जो मेजर आपने डिस्टेंस मेजर किया, से ये 2 Hz था, कितना था, 2 Hz था, और इनके बीच में जो आपने डिस्टेंस मेजर किया वो कितना आ रहा है, वो भी हम बोलेंगे से फॉर एग्जांपल 2 Hz ही आ रहा है। अब कंफ्यूज हो रहे हैं शायद एक दूसरे को तो ये स्टेबलेट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा कोई केस हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उसी को से फॉर एग्जांपल 3 MHz वाले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आप इसको ये करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट में आप इसको ले जाएंगे, ठीक है, 300 MHz। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, अब उससे क्या हो जाएगा, इनमें ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से शिफ्ट होगा, से इसका सिग्नल ऐसे आ जाएगा और दूसरे का सिग्नल ऐसे आ गया, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ गया। और जब इनकी बीच के आपने डिस्टेंस मेजर किया तो जो ए टाइप का है ये बी टाइप का सिग्नल है, से फॉर एग्जांपल ए का जो सिग्नल आया वो क्या था, उनके बीच में जो दो मल्टीप्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था वो 2 Hz था, लेकिन बी वाला थोड़ा सा दूर दूर चला गया, इनके बीच में से डिस्टेंस 4 Hz का आ गया। इससे इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जो ए वाला आप बोल रहे थे, ये वाला पीक एक ही प्रोटॉन का है, सॉरी एक ही टाइप के प्रोटॉन है, एक सेट ऑफ प्रोटॉन, या सिंगल का भी एक प्रोटॉन का हो सकता है, 2 प्रोटॉन 3 का जिसका भी हो, लेकिन ये एक ही टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल है, क्यों, क्योंकि ये फील्ड को चेंज करने से इन दो पीस के बीच में जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हुआ, ये पहले भी 2 Hz था अब भी 2 Hz है, दैट मीन्स ये जो है एक डबलेट है, और ये 2 Hz किसको शो कर रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है। लेकिन अब जो 2 Hz यहाँ दिख रहा था हमें सिस्टम 60 MHz वाले में, तो यहाँ 3 MHz में ये 4
4 हर्ट्ज के बीच तकरीबन आ गया, हम रफली बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये सेपरेट हो गए ना, दूर दूर चला गया, इसका मतलब ये अलग प्रोटॉन का पीक था, ये अलग प्रोटॉन का पीक था। क्योंकि अब ये हमें क्या दिखा रहे हैं, केमिकल शिफ्ट को दिखा रहे हैं, क्योंकि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन द फील्ड होता है। तो आप इसी मैग्नेटिक फील्ड के बेस्ड पे आप कपलिंग कांस्टेंट और केमिकल शिफ्ट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू है, कौन सा सिंगल पीक है, कौन सा डबलेट है, कौन सा ट्रिपलेट है ना। इस बेस पे आप हाँ इसको ये कर सकते हैं। अगर वो फील्ड से चेंज नहीं होते हैं तो श्योरली वो एक ही प्रोटॉन, एक ही टाइप के प्रोटॉन का पीक होगा। अगर वो फील्ड के साथ चेंज हो रहा है तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स का वो सिग्नल होगा। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो ये इन कपलिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, यूजुअली 0 to 20 हर्ट्ज के बीच में ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है। और मैंने पहले ही कहा जो सेपरेशन होता है पीक्स के बीच में, यानी जे का जो वैल्यू होता है किसी भी मल्टीप्लायर में, वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहा है, तो उनका जे का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, बिकॉज का स्पिन कपलिंग जो होता है वो एक रेसिप्रोकल अफेयर है। अगर ए बी को स्प्लिट कर रहा है, बी ए को सेम मैग्नीट्यूड से करेंगे, तो ए का जे का जो वैल्यू है ए टाइप के मल्टीप्लेट और बी टाइप के मल्टीप्लेट में क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं वो एक, हाँ ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये CH3 टाइप का प्रोटॉन, CH का प्रोटॉन है ना, ये ए Cl2 है, तो थोड़ा ये Cl2 वाले का पीक होगा, बी टाइप के प्रोटॉन को यहाँ बी ए से, यानी बी को ए स्प्लिट कर रहा है, यहाँ एक किस में आ रहा है, क्वार्टेट में आ रहा है, क्यों, 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ ना, 4 पीक्स में इसको स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बी जे बी ए है, चाहे पहले और दूसरे पीक्स के बीच में या दूसरे और तीसरे पीक्स, सब का वैल्यू यहाँ जे बी ए से ही रिप्रेजेंट करेगा सेम। और ये ए ए प्रोटॉन का सिग्नल है, तो यहाँ भी इनके जे ए बी का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कपलिंग कांस्टेंट हमेशा एक मल्टीप्लेट का दूसरे मल्टीप्लेट के साथ हमेशा सेम रहता है, अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहा है। अगर वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते हैं, तो इनका जे का वैल्यू सेम नहीं आएगा। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, जे के वैल्यू से ही आपको अंदाज़ा मिलेगा कि एक दूसरे को स्प्लिट कर रहा है। तो जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो इससे मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग, जितना स्ट्रॉन्गली स्पिन स्पिन कपलिंग होता है उतना जे का वैल्यू ज़्यादा होता है। और द वैल्यू ऑफ जे डिपेंड्स ऑन द नंबर, टाइप, जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड सेपरेटिंग द कपल न्यूक्लियर। देखो हमने अभी अभी कहा ना, इसका जो स्पिन स्पिन कपलिंग का होता है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पिन स्पिन कपलिंग, कितना स्ट्रांगली वो एक दूसरे को कपल करते हैं। तो इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करेंगे, उनके ओरिएंटेशन पे, उनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ना। अगर कोई ज्योमेट्री ऐसा हो कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ अच्छे से कपलिंग कर सकें, तो वहाँ पे जे का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से कपल नहीं कर पा रहे हैं, तो जे का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, वो जीरो भी हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखिए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, ए और बी से पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में, तो अच्छे से इफेक्टिवली कपल हो जाएगा, तो उस समय 7 हर्ट्ज आ रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ याद रखना कि ये एक दूसरे के एडजेसन में है और 3 बॉन्ड तक ही है, 3 बॉन्ड से, यानी जितना हम दूर जाते हैं 3 बॉन्ड से ज़्यादा, उतना ही जे का वैल्यू क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 3 बॉन्ड के बाद तो इनका वैल्यू ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। 3 बॉन्ड तक, यानी अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 बॉन्ड्स तक इनका असर रहते हैं, 3 बॉन्ड्स के बाद ये एक दूसरे के स्पिन को फील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अब वो स्प्लिट नहीं करते हैं एक दूसरे के सिग्नल को, उनका जे का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। लेकिन कुछ और केसेस में आते हैं जे का वैल्यू मोर देन 3 बॉन्ड्स के बाद भी जे का कुछ वैल्यू होता है, यानी स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना, इनको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। लेकिन
उनके लिए कोई या तो वहाँ पे कंजुगेशन होगा या ज्योमेट्री ऐसी होती है कि वहाँ पे कपलिंग होती है, वो एक्सेप्शनल केस है जिनको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। लेकिन आमतौर पर 3 बॉन्ड से ज़्यादा के बाद वो ख़त्म हो जाती है, ये एक दूसरे के एडजेसन में है ना, इस टाइप के कपलिंग को हम विसिनल कहते हैं ना, विसिनल कपलिंग यानी एडजेसन कार्बन पे जो प्रोटॉन है उसको हम विसिनल प्रोटॉन कहेंगे, और जो कपलिंग है वो हम विसिनल कपलिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ए और बी के बीच में कोई कपलिंग नहीं होगी। अगर वही दो प्रोटॉन एक ही कार्बन पे होगा, है ना, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो अब ये दो प्रोटॉन्स क्या हो गया, एक दूसरे के इक्विलेंट नहीं हुए। हाँ, एक चीज़ यहाँ याद रखना, ओनली नॉन इक्विलेंट प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तभी जे का वैल्यू आएगा, वरना नहीं आएगा। से यहाँ ए और बी अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो ए और बी अलग हो गया, लेकिन यहाँ सी जो है वो एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, तो उसको हम विसिनल से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप बोलते हैं जिमिनल, है ना, उसको हम जिमिनल, जिमिनल मीन्स दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन पे है लेकिन दोनों क्या है, नॉन इक्विलेंट है, इसको हम जिमिनल प्रोटॉन कहेंगे। उनके बीच में अगर कपलिंग हो रहा है तो उसको हम जिमिनल कपलिंग कहेंगे। तो से फॉर एग्जांपल इसका 2 वैल्यू आ रहा है, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव इतना कपलिंग नहीं होता है, उनका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है। और यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये ए और बी के बीच में कपलिंग हो रहा है, लेकिन जो ए और बी है वो एक दूसरे के किस में है, ट्रांस में है ना। जब ट्रांस में होते हैं तो उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि इनके बीच में इफेक्टिव कपलिंग हो जाते हैं। जब इफेक्टिव कपलिंग होता है, देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 हो गया, 15 हर्ट्ज में। अगर यही ये विनालिक टाइप का प्रोटॉन है ना, ए और बी अगर एक दूसरे के सिस में होते हैं तो इफेक्टिव कपलिंग नहीं हो पाते हैं, तो 10 आ रहे हैं इनका वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक आइसोमर को, सिस को हम ट्रांस से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको एनएमआर के जो पहला जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उसमें कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आप जे का वैल्यू मेजर करेंगे, कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है। जब भी ट्रांस आइसोमर का होगा उनका जे का वैल्यू थोड़ा हाई होगा, और सिस आइसोमर का जे का वैल्यू कम होगा, तो जो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो ट्रांस आइसोमर का होगा, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 यानी मोर देन 3 बॉन्ड्स के बाद भी एच और एच ए और एच बी के बीच में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, तो इन टाइप के कपलिंग को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे कंजुगेशन आ रहे हैं, जो कंजुगेशन की वजह से वहाँ पे जो स्पिन है उसकी ट्रांसमिशन हो रहा है, एक दूसरे के प्रोटॉन्स के स्पिन को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोर देन 3 बॉन्ड्स के बाद भी वहाँ कपलिंग हो रहा है, तो इसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो सेम प्रोटॉन्स होंगे एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे तो हम जिमिनल प्रोटॉन कहेंगे, है ना, अगर उनके बीच में कपलिंग हो तो जिमिनल कपलिंग होंगे। हमेशा याद रखना, कपलिंग नॉन इक्विलेंट प्रोटॉन्स के बीच में होते हैं तभी वो एक दूसरे को सिब्लिट करते हैं, और जो जिमिनल कपलिंग का वैल्यू होता है यूजुअली वो किस में आते हैं, नेगेटिव आते हैं, लेकिन जो ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। से फॉर एग्जांपल इसमें जो यहाँ पे ए थीटा का वैल्यू है वो कितना, 109 डिग्री के आसपास है, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल एंगल है, और ये जो ए और बी है वो एक दूसरे के किस में है, एक ही कार्बन पे है, तो जिमिनल कपलिंग होगा, ए और बी 109 है, तो इसका वैल्यू -12 हर्ट्ज या -11 हर्ट्ज के तक आते हैं। ठीक है, वही ए और बी यहाँ भी तो जिमिनल प्रोटॉन है, इसी सी पे, एक ही सी पे अटैच है ना, तो 120 डिग्री एंगल बढ़ गया ना, इसलिए इनका वैल्यू 0 से 3 हर्ट्ज के बीच में, अब माइनस माइनस से किस में चला गया, प्लस की तरफ चला गया। तो इस तरह से भी हमें इनका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो तो इसका मतलब वहाँ पे एक दूसरे को अच्छे से कपल नहीं कर पाते हैं, अगर वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से, क्योंकि वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। आप इसको थोड़ा यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में हैं तो एक दूसरे को इफेक्टिवली कपल कर पाते हैं, तभी वहाँ पे जे का वैल्यू क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो हम कुछ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। अब विसिनल कपलिंग, जिमिनल को तो देखा हमने, जिमिनल में क्या हो रहा था
यानी एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट प्रोटॉन्स अटैच थे, उनके बीच में कपलिंग हो रहा था। विसिनल मीन्स दो डिफरेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन्स है एडजेसन, लेकिन एक कार्बन नंबर वन पे होगा तो दूसरा कार्बन नंबर टू पे होगा, उस टाइप के, यानी सी और सी पे जो प्रोटॉन्स होंगे हम उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल। ये विसिनल प्रोटॉन्स है, ए और बी के बीच में अगर कपलिंग हो रहा है तो हम इसको विसिनल कपलिंग कहेंगे। दीज आर सेपरेटेड बाई थ्री बॉन्ड्स, है ना, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन पे या डायहेड्रल एंगल पे डिपेंड करते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए है, ये बी है, एक दूसरे के पैरेलल में है बिल्कुल, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे अच्छे से ओवरलैपिंग होते हैं तो वहाँ पे जो सॉरी मैं जे का वैल्यू 6 से 8 हर्ट्ज के बीच में होता है। सिमिलरली जब एक दूसरे के एंटी होते हैं यानी 180 डिग्री इनमें बॉन्ड एंगल होता है, तब भी इनमें अच्छे से ओवरलैपिंग होते हैं और हर्ट्ज इन जे का वैल्यू इन हर्ट्ज क्या होते हैं, ज़्यादा ही आते हैं। लेकिन जब इनका बॉन्ड एंगल कम होता है तो जे का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स आप याद रखना 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जे का वैल्यू ज़्यादा होता है, और जब 90 डिग्री के आसपास होते हैं तो जे का वैल्यू कम हो जाते हैं, 0 के पास पहुँचते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, जैसे आप न्यूमन्स प्रोजेक्शन बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कपलिंग हो रहा है ना, एक दूसरे को अच्छे से कपलिंग कर रहा है, तो इसलिए इनमें जे का वैल्यू ज़्यादा होता है। और यहाँ देखिए बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, 0 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो वहाँ पर जे का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ देखिए एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाया, अब इसका जो ये लोब यहाँ चला गया, इसका लोब यहाँ चला गया, अब वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, तो वीक ओवरलैपिंग की वजह से वहाँ पे जे का वैल्यू वहाँ पे कम आते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ जे डिक्रीज शार्पली विद डिस्टेंस, ये हमने आपको पहले ही कहा, जितना दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाते हैं तो वहाँ पे उनका जे का वैल्यू भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं 3 बॉन्ड के बाद, क्योंकि आप और एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के स्पिन को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में 4 बॉन्ड के बाद भी, सॉरी 3 बॉन्ड के बाद भी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, जे का वैल्यू आता है, उनको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। किन में, जैसे ओलेफिन में कंजुगेशन है, स्टीलिन में कंजुगेशन है, एरोमेटिक्स में है ना, या स्ट्रेन रिंग है, कोई ब्रिज सिस्टम है, तो उनमें ऐसा ओरिएंटेशन, इनकी ज्योमेट्री ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग रेंज कपलिंग कहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या होते हैं, जैसे एलाइलिक कपलिंग है, एलाइल टाइप का है ना, ए और बी जो है वो एलाइल टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ बॉन्ड डिस्टेंस देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 3 बॉन्ड के बाद भी यहाँ पे कपलिंग हो रहे हैं, ए और बी, जे का वैल्यू 0 से 3 हर्ट्ज आ रहा है। दैट मीन्स ये एग्जांपल कौन सा हो गया, कपलिंग कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जो इफेक्टिवली इनके सिग्नल्स को, इनके स्पिन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, कपलिंग होती है। होमोएलाइलिक कपलिंग एलाइल टाइप का, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 बॉन्ड है बीच में, तब भी इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन्स के बीच में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रही है, जे का वैल्यू आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन। या एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरोमेटिक रिंग है, ये है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ हम कोई एक्स ग्रुप रखेंगे, वरना तो सब इक्विलियन हो जाएंगे, एक दूसरे को कोई ये सिब्लिट नहीं करेंगे ना, ये एक्स है। अब ये ए टाइप का प्रोटॉन हो गया, ये बी टाइप का प्रोटॉन हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये दूर है तो सी टाइप का प्रोटॉन हो गया। ए और बी के बीच में तो स्प्लिटिंग होगा क्योंकि दीज टू आर विसिनल प्रोटॉन्स, एक दूसरे के विसिनल में है, लेकिन यहाँ देखा गया है कि ए और बी के सी के बीच में, सॉरी ए और सी के बीच में भी क्या होता है, कपलिंग
होती है, जे ए सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या मेटा कपलिंग भी कहते हैं। ऐसे 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 हो रहा है ना, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लॉन्ग रेंज कपलिंग। क्यों, 1 2 3 4 मोर देन 3 बॉन्ड्स है, तो ये लॉन्ग रेंज कपलिंग हो गया। अगर हम ऐसे ऐसे इसको ड्रा करेंगे तो क्या आ रहा है, ऐसे 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 डब्ल्यू टाइप का आ रहा है ना, ऐसे हम डब्ल्यू कपलिंग भी कहते हैं इस टाइप के कपलिंग को, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया लॉन्ग रेंज कपलिंग, मेटा कपलिंग भी कह सकते हैं, डब्ल्यू कपलिंग भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस टाइप का कोई अगर उनके ज्योमेट्री बनते हैं, उनका इस टाइप के कंडीशन बनते हैं, तो वहाँ पे कपलिंग होते हैं मोर देन 3 बॉन्ड्स के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि कपलिंग कांस्टेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मल्टीप्लेट, है ना, दो मल्टीप्लेट के बीच में। और एक चीज़ ये होता है कि ज़रूर इसको याद रखना है, दीज आर इनडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड, फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम फील्ड के बेसिस पे ही केमिकल शिफ्ट और मल्टीप्लेट्स के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होते हैं। और हमेशा याद रखना है, जो प्रोटॉन एक दूसरे को सिब्लिट करते हैं उनका जे वैल्यू हमेशा सेम रहते हैं, अगर वो एक दूसरे को सिब्लिट नहीं करते हैं तो उनका जे वैल्यू भी क्या होगा, अलग होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इस टाइप का होगा ना, CH2 है, ये O है, बीच में ये H है, ये CH2 है, इस टाइप का कोई होगा, है ना, इस टाइप का कुछ, आप ये CH2 है, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट होगा, तो ये सारा ABCD टाइप का प्रोटॉन हो गया ना। ए ए का सिग्नल कौन तोड़ेगा, बी, तो किसमें 2+1 3 है, ट्रिपलेट आएगा ऐसे। फिर बी का सिग्नल कौन तोड़ेगा, ए, क्योंकि वो इसके एडजेसन में, कितने में ये, सॉरी, बी का सिग्नल कौन तोड़ेगा, ए, किसमें, ए 1+1 डबलेट आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, CH CH2 है, तो CH का सिग्नल कौन करेगा तोड़ेगा, 2 2+1 क्या होगा, ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट आएगा। और CH2 का सिग्नल क्या आएगा, सिर्फ डबलेट आएगा, क्योंकि इसके एडजेसन में ही प्रोटॉन है। अब इनके बीच में जो J का वैल्यू है, J AB, और यहाँ पे जो J BA है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को सिब्लिट कर रहा है। और यहाँ पे जो JCD बोलेंगे ना, JCD, और यहाँ पे जो J का वैल्यू है JDC, वो सेम होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को सिब्लिट कर रहा है। जे बी और जे सी डी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। और ये 2 हर्ट्स होगा, तो ये भी 2 हर्ट्स होगा, तो ये में भी 1 हर्ट्स होता हो सकते हैं, ये भी 1 हर्ट्स हो सकते हैं, वो कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, बराबर हो बराबर होगा तो हमें फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने फिर देखा मोर देन 3 जिमिनल कपलिंग होता है, एक ही कार्बन पे अगर दोनों प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट होगा, विसिनल एडजेसेंट कार्बन पे जब होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कपल करते हैं। लेकिन मोर देन 3 बॉन्ड से भी अगर दूरी तक भी अगर कपलिंग हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग। जैसे हमने एलाइलिक कपलिंग पढ़ा, है ना, डब्ल्यू कपलिंग एरोमेटिक टाइप में, उनमें कोई ज्योमेट्री ऐसी बनती है, उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है, तो उस समय क्या हो सकते हैं, वहाँ कपलिंग होते हैं। तो बस हम ये तकरीबन आपके ये NMR यूनिट का लास्ट था, ठीक है, इसके बाद हम सिर्फ कुछ कंपाउंड्स के, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स का NMR स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, कुछ गिने चुने एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल हमने अभी तक देखा कि जो NMR में नंबर ऑफ सिग्नल्स इंडिकेट द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन दैट आर इन ए इन द कंपाउंड होता है ना, जितना नंबर ऑफ सिग्नल उतने टाइप के हमें प्रोटॉन्स होंगे उसका अंदाज़ा मिल जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ द सिग्नल हमें क्या इंडिकेट करते हैं, काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, जैसे क्या वो मिथाइन का, मिथाइल का है, मिथिलीन है, मिथाइन है, लाइलिक है, क्योंकि सबका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है, उसके बेस पे हम इन प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और किस टाइप का उनके नेबर है ना, सबस्टिट्यूएंट उनके पास कैसा है, उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। अगर हम इन सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में भी आपको पता चल जाता है, और मल्टीप्लिसिटी से आपको क्या मिलते हैं, डबलेट ट्रिपलेट सिंगलेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, एक प्रोटॉन्स के एडजेसन में कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, उसके बारे में आपको
इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और जो कपलिंग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कपल प्रोटॉन्स, कौन सा प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं, उसका आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं, जे के वैल्यू से मिलता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या फैक्टर है, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।